हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअल। आज के सेशन में आईबीपीएस आरआरबी असिस्टेंट की जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी उसको डिस्कस करेंगे। आरआरबी असिस्टेंट की जो एग्जाम है प्री शेड्यूल्ड है 19 अगस्त से और फाइनल है 7 अक्टूबर से। सो जिन बच्चों ने भी फॉर्म फिल किया है उनके दिमाग में ये जरूर एक वारी रहती है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए ताकि नीडफुल स्कोर किया जा सके। उसी को ध्यान में रख के आज का सेशन बनाया गया है। तो इसमें पहले शॉर्ट में थोड़ा सा इसका एग्जाम का देख लेंगे। जो असिस्टेंट का एग्जाम होगा उसमें दो स्टेज हैं, एक प्रिलिमिनरी एग्जाम है, एक फाइनल एग्जाम है। प्री एग्जाम जो 19 अगस्त से शुरू होगा आपका, उसमें दो टॉपिक हैं, सब्जेक्ट हैं। एक है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे और मार्क्स भी होंगे 40 मार्क्स के। दूसरा होगा आपका रीजनिंग। रीजनिंग के भी आपके 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 ही मार्क्स के होंगे, तो टोटल होंगे आपके 80 मार्क्स का प्री होगा और 45 मिनट का कंपोजिट टाइम दिया होगा। टाइम इसमें कंपोजिट 45 मिनट कंपोजिट है, लेकिन इसके अंदर सेक्शनल कट ऑफ होगी। इसलिए आपको करने तो दोनों ही पड़ेंगे, दोनों में ठीक ठाक स्कोर करना पड़ेगा। जैसे आप 25 और 20 इसको बाइफर्केट कर सकते हैं, 25 मिनट न्यूमेरिकल एबिलिटी को दे दिए, 20 मिनट रीजनिंग को दे दिए, इस तरीके से। देन जो बच्चे सेलेक्ट होंगे फाइनल के लिए, उनका फाइनल में जो एग्जाम होगा उसमें आपके सब्जेक्ट्स होंगे, ये दो तो है ही, न्यूमेरिकल एबिलिटी देन रीजनिंग। रीजनिंग के बाद में आपका इसमें आएगा जनरल अवेयरनेस। के बाद में जो भी आपने चूज किया है, आपके पास इसमें चॉइस होती है इंग्लिश या हिंदी में से जो आपने चॉइस किया, और लास्ट है आपका कंप्यूटर। इनका अगर मार्क्स और क्वेश्चंस का अगर देखें तो आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग में 40-40 क्वेश्चन है, बट वो 50-50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस जो है आपकी उसमें भी 40 क्वेश्चन है और 40 ही मार्क्स के हैं। हिंदी और इंग्लिश है उसमें भी 40 क्वेश्चन है और 40 ही मार्क्स के हैं। कंप्यूटर में भी 40 क्वेश्चन है बट वो 20 मार्क्स के हैं। इस तरीके से 200 क्वेश्चन होंगे और 200 ही मार्क्स के होंगे, और इसके अंदर आपको 2 घंटे का कंपोजिट टाइम दिया होगा। मतलब जो टाइम अलॉटेड है वो 2 आवर्स है, ये भी कंपोजिट। बट इसमें भी आप ध्यान रखना, सेक्शनल कट ऑफ मेन में भी है, प्री में भी है और मेन में भी है। फिर जो बच्चे सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करेंगे वो फिर एक मेरिट बनेगी, उस मेरिट में जो बच्चे आएंगे वो फाइनल के लिए सेलेक्ट होंगे। अब इसका देखें कट ऑफ का, तो जो 2017 की कट ऑफ थी प्री की, तो प्री की कट ऑफ ऑफिशियली तो डिक्लेयर होती नहीं है, तो जितने के डाटा कलेक्ट हो पाए उसके अकॉर्डिंग अगर आपने देखें तो इसके अंदर प्री में सेक्शनल कट ऑफ थी वो क्वांट की 10.75, क्वांट मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग की 12.75 थी आउट ऑफ 40-40, 40 में से 10.75 और 40 में से 12.75, तो ये तो सेक्शनल कट ऑफ थी। देन जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए मेन एग्जाम के लिए, उसमें ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं स्टेट वाइज, तो अगर इनको आप देखें तो बड़े स्टेट्स जो है मेजर उनको देखें तो करीब करीब 60 के अराउंड इसकी कट ऑफ थी। वैसे मैक्सिमम आपके झारखंड में 62.5 गई है और मिनिमम छत्तीसगढ़ में है वो 50.75 ही गई है। आप ये देखें छत्तीसगढ़ की 50.75 ये मिनिमम है और झारखंड की 62.5 है ये मैक्सिमम है, बट एज ऑन एवरेज 60 कट ऑफ रही है आउट ऑफ 8। देन अगर इसका करें मेन का कट ऑफ का, ये ऑफिशियली डिक्लेयर होती है, ऑफिशियली जो कट ऑफ आई है उसमें आप देखें कैटेगरी वाइज एससी एसटी ओबीसी जनरल, तो इसने सभी स्टेट्स की इसमें कट ऑफ दी हुई है, आप इसमें देख सकते हैं। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो जो मैक्सिमम कट ऑफ इसमें रही है वो हरियाणा की रही है, और वो हरियाणा की अगर आप देखें जनरल के लिए मैं कंपेयर कर रहा हूं तो ये 67.19 है, और ये कट ऑफ आउट ऑफ 100 है, ये 100 पे नॉर्मलाइज किया हुआ स्कोर है और उसमें ये कट ऑफ रही है 67.19। और अगर इसमें मिनिमम है तो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं
उन सभी में कम है। बड़े स्टेट्स को अगर आप प्लेन से में देखें तो कर्नाटक की सबसे कम है 55.66, ये कर्नाटक है, इसकी मिनिमम है 55.66। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश आप देख रहे हैं 54.6 है, मेघालय की शायद इससे भी कम है, मिजोरम की भी कम है, बट नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दें जिसमें बहुत स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो कर्नाटक बड़े स्टेट्स में से उसकी 55.66 पिछली बार मिनिमम गई है। मिनिमम और मैक्सिमम में डिफरेंस बहुत बड़ा है, तो इसमें स्टेट सिलेक्शन और वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको जरूर आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आ रही है, आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको 6 महीने का टाइम देते हैं, 6 महीने में आपने लैंग्वेज सीख ली, वेल एंड गुड है, नहीं सीख पाए तो भी वो कुछ पीरियड को एक्सटेंड भी वो बैंक कर देते हैं, बट आपको अल्टीमेटली आपको सीखनी पड़ती है वहां की लोकल लैंग्वेज। तो ये था आज का सेशन, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, अच्छा लगा हो, और किसी और टॉपिक पे भी अगर आपको वीडियो चाहिए प्लीज हमें लिखिए, कमेंट्स रेगुलर करते रहिए। और एक इसका मेन चीज आपने देखी होगी कि जो प्री में मैक्सिमम और मिनिमम रहा, प्री में आप देख रहे हैं कि जो मिनिमम कट ऑफ छत्तीसगढ़ की रही, लेकिन मेन में छत्तीसगढ़ की मिनिमम नहीं रही। आप देखें छत्तीसगढ़, आप अगर यहाँ स्क्रीन पे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की यहाँ 60.85 है, मिनिमम नहीं है, एवरेज की तरफ चला गया वो, जहां पे प्री में वो 50.75 काफी कम था, जहां एवरेज 60 के आसपास था वहां इसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ में 50.75 थी, लेकिन मेन में वो मोर और लेस वो एवरेज की तरफ कुछ गया, रहा तो नीचे, एवरेज आप अगर देखेंगे मेन का तो करीब 65 के अराउंड है। बड़े स्टेट्स को आप कंपेयर करेंगे कि 65 जो है वो एवरेज स्कोर है कट ऑफ का, बट उससे तो ओबियसली इसका थोड़ा कम रहा है, 65 से तो ये 61 के आसपास रह गया तो कम है, बट ये मिनिमम नहीं रहा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि कट ऑफ है किसी स्टेट की प्री में अगर मिनिमम किसी और की गई है, मेन में किसी और की भी हो सकती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ